देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, आप कोई प्रोग्राम भी कर सकते हैं, सालगिरह कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत बड़ा लॉन है ये, देखें आपको नज़र आ रहा होगा सामने, ये गेस्ट हाउस है, बड़ा बेहतरीन लॉन है। और यहाँ से 30 कदम आगे समंदर है। तो जनाब ये रूम आप देख रहे हैं खूबसूरत, ये आपका बेडरूम और ये वाशरूम, वाशरूम भी कुशादा वाशरूम है यहाँ पर, साफ़ सुथरे। आपको यहाँ पर साबुन भी मिलता है और शैम्पूज की 3 साशे मिलते हैं, नया पेस्ट और नया जो है फुरिश मिलता है, साफ धुला हुआ ये तौलिया भी यहाँ पर मौजूद है। तो सिंगल रूम भी यहाँ पर अवेलेबल है, अगर ये डबल बेड है अलग से एक छोटा सा रूम, अगर आप सूट लेना नहीं चाहते तो। देखिए कितना वेल डेकोरेट है। जनाब यहाँ से समंदर का नज़ारा, समंदर का दिलकश नज़ारा। तो जनाब ये बेडरूम आपका, और यहां से ये समंदर का नजारा। जी जनाब ये फ्रिज भी आपको दिया गया है, जिसमें आप पानी की बोतलें, जूसेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स रख सकते हैं, जो भी रखना चाहें फ्रिज में। स्टडी के लिए चेयर भी है और टेबल भी। ये आपका सूट है, एयर कंडीशन। और यहाँ बैठे बैठे अगर आप ये खिड़की खोल देते हैं तो यहाँ से आप सीधा समंदर का नज़ारा भी कर रहे हैं, ये सब्ज़ार भी। और सामने देखें इस रूम से आपको समंदर भी नज़र आ रहा है और सी व्यू स्ट्रीट भी, जहाँ से गाड़ियाँ दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं, और इस गेस्ट हाउस का सब्ज़ार भी आपको नज़र आ रहा है। इतना बेहतरीन लुक है कि आप यहाँ अपने कमरे में बैठकर समंदर का नज़ारा करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जब शाम होती है, सूरज की किरणें जब समंदर पे पड़ती हैं, सूरज उतरते वक्त या तुलू होते वक्त, तो ये नज़ारा बड़ा ही दिलकश होता है। जब आपकी आंख खुलती है तो आप समंदर को देखते हैं, बड़ा ही दिलकश नज़ारा है समंदर का यहाँ से। ये देखें समंदर, ये समंदर आपके बेडरूम में, आपके रूम में, यहाँ बैठे हुए हैं अपने बेड से भी आप समंदर को देख सकते हैं, यहाँ से बैठकर भी समंदर का नज़ारा कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको अपने बेड से समंदर का नज़ारा कराऊंगा, देखें कितना प्यारा नज़ारा है। तो जनाब यह है मेरा बेड जहाँ मैंने स्टे किया है, और बिल्कुल इस मेरे बेड के सामने ये खिड़की, और इस खिड़की के बिल्कुल सामने ये आप समंदर देख रहे हैं, ये समंदर, यानी कि बड़ा दिलकश नज़ारा होता है यहाँ से जब सुबह सुबह आपकी आंख खुलती है। तो
तो जनाब ये जो रूम है यह है फेसिंग सी, यानी बिल्कुल समंदर के सामने। आपने पूरे रूम में बेड पर बैठे हो या स्टडी कर रहे हो, आप यहाँ से बैठकर समंदर का नज़ारा कर सकते हैं। ये देखिएगा आप, मैं जूम करता हूँ ताकि आप समंदर को देखें। फराज भी तैयारी कर रहे हैं अपनी, क्योंकि आज हमने जाना है, दो रातें हमने यहाँ स्टे की हैं। मुशायरे में आए हुए थे, बारगाह अदब का आलमी मुशायरा था, आलमी मुशायरा अटेंड किया, उसके बाद अब हम दो रातें यहाँ स्टे करने के बाद रवाना हो जाएंगे। ये देखें फराज यहाँ बैठकर समंदर का नज़ारा कर रहा है। सर्विस भी बड़ी ज़बरदस्त है, चाय गर्म है या ठंडी है? हाँ गर्म है, शुक्रिया। तो आपको नाश्ता हर किस्म का अवेलेबल होता है, जैसा आप करना चाहें। ये नाश्ता आ चुका है, ऑमलेट है, पराठे हैं और चाय है। तो हम जो है समंदर का नज़ारा भी कर रहे हैं और नाश्ता भी। तो फराज बिल्कुल तैयार है, तैयार ही है ना नस? हाँ, तो ये नाश्ता कर रहे हैं। ये यहाँ पर देखें नाश्ता कर रहे हैं फराज, और सामने सामने ये समंदर भी देख रहे हैं। ये देखें समंदर है ये सामने, लेकिन तस्वीरों में शायद वो लुत्फ ना आए जो यहाँ सुबह का ब्रेकफास्ट करते हुए आप समंदर को देख रहे होते हैं। ये देखें बिल्कुल सामने ये समंदर, यहाँ पर देखें आपको हर किस्म की सहूलत मयसर है जो आप चाहें। नाश्ता करते हुए समंदर को भी देखें, आप अपने बेड पे लेटे हुए हैं तब भी समंदर को देख सकते हैं। यहाँ से जूम करके और यहाँ से समंदर का नज़ारा करना, आप क्या समझते हैं, इतना दिलकश दरफरेब नज़ारा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। ये फैन भी मौजूद है अगर आपको सर्दी लगती है, क्योंकि सर्दी आज से कराची में हो गई है, तो आप एसी चलाते हैं तो आपको सर्दी लगती है, तो ये भी अवेलेबल है। बड़ा खूबसूरत लुक है, इसमें कोई शक नहीं। आपका जो गेस्ट हाउस है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि आदमी घर में बैठा हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि स्मेल नहीं है, वरना स्मेल होती है अक्सर, ये बड़े बड़े होटलों में मैंने देखा है। तो कब से ये आपका चल रहा है, ये जो गेस्ट हाउस है, नाम क्या है? बड़ा मुश्किल सा है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। मेरा नाम एहसन है, ये गेस्ट हाउस जो है बोंदाई बीच रिजॉर्ट के नाम से है। 6 महीने हुए हैं मैं इसको ओपन किए हुए। इट्स अ फैमिली गेस्ट हाउस। इसके अंदर जो है वो 10 रूम्स हैं, प्लस हमारे पास लॉन है, पार्किंग अवेलेबल है और सी फेसिंग रूम्स हमारे पास अवेलेबल है। मतलब से समंदर का खूबसूरत नज़ारा
दिखता है, मतलब सुबह को आप जो नींद से उठते हैं समंदर को देखते हैं, आप विंडो खोलते हैं तो सामने से समंदर का खूबसूरत नजारा होता है। बाकी इसमें ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, स्टैंड बाय जनरेटर है और कार पार्किंग की भी फैसिलिटी है। ब्रेकफास्ट आप देते हैं? जी, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट होता है जी जी। और इसमें कार पार्किंग अवेलेबल है और स्टैंड बाय जनरेटर है सर। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी गाड़ी बड़ी सिक्योर खड़ी होती है। हम अक्सर गेस्ट हाउस में जाते हैं या कहीं भी, तो हमें सबसे ज्यादा टेंशन अपनी गाड़ी का होता है, नींद नहीं आती। यहाँ आप बेफिक्र हो गए जैसे घर में है जी सर, आपकी गाड़ी भी सिक्योर है और बाहर जो सिक्योरिटी भी है और कैमराज भी होंगे जबरदस्त। तो ये बेहतरीन, मैं अक्सर कराची आया हूँ 5-स्टार होटलों में, मेरिट, मेहरान, 3-स्टार, 4-स्टार तक, लेकिन कुशादा और खूबसूरत जो मैंने रूम देखे, और मैं समझता हूँ जब भी आप अपनी फैमिली के साथ आएं तो यहाँ पर कराची में सी व्यू पर आप समंदर का नज़ारा भी करना चाहते हैं, और ये देखें खूबसूरत नज़ारा जो है ये लॉन का नज़ारा है। ये आप रात का खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, डिनर करके फिर आप जब वॉक शॉक के लिए आते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत ये गेस्ट हाउस। सामने से हम जब गेट ओपन करते हैं तो सी व्यू का समंदर का नजारा होता है सर जी। यहाँ पे आप आराम से बैठे, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं जी, सही चाय कॉफी वगैरह पी सकते हैं जी जी। यहाँ पे आप बैठ के आराम से चाय कॉफी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, पुरसकून माहौल। और अगर बर्थडे पार्टी करनी हो वो भी यहाँ पे जी। अच्छा, यहाँ पर इसका जो लुक है, यहाँ पर जो बंगलो के अंदर ये गेस्ट हाउस है, इसे 6 महीने हुए हैं, लेकिन मैं जब पहली बार यहाँ पर आया, मुझे शौक है जो है मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ और सफ़र करता हूँ, और कराची तो मेरा आना जाना रहता है। बेहतरीन जो मैंने देखा ये गेस्ट हाउस देखा है, मैं उसमें आपको नंबर भी दे दूँगा, आप रब्ता करके जो है यहाँ पर आए, आप खूब इंजॉय करेंगे यहाँ फैमिली के साथ, बेफिक्र हो गया। आप, मैंने सोचा कि नेक्स्ट मंथ में अपने सारी फैमिली लेके आऊँगा यहाँ पे, और छोटी की सालगिरह भी यहीं करूँगा। ये देखें रात का मंजर, आपको कितना खूबसूरत रोमानवी मंजर है, कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये देखें। और ये सब्जा सामने, दरवाजा ओपन तो सामने समंदर, और इस तरह की के फेवरेट जो है ना, मैं नहीं समझता कि यहाँ की फेवरेट आपके रहने की जगह होगी जहाँ आप रहें, और सब्जा सब्जे की दीवार है। हाँ, और ये देखें खूबसूरत हॉल देखें, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कितना बेहतरीन हॉल है, ये देखें। ये क्या है? ये कॉफी शॉप है। यहाँ पर आप सर्दियों का मौसम है, अपने बच्चों के साथ आएं, फैमिली के साथ आएं, एंजॉय करें, कॉफी पिएं, रहें यहाँ पर, और यहाँ का माहौल इंतहाई फैमिली, मतलब आप महसूस करेंगे घर में है या किसी के यहाँ मेहमान होके आए। इतने यहाँ पर जो है आपको जो यहाँ के काम करने वाले हैं, इतनी अच्छी उनकी सर्विस है, और इनकी सर्विस की बात देने की आपसे ही यहाँ पर आप बैठे एंजॉय करें। मैं कहता हूँ कि मेरिट पे 35,000 भरने से अच्छा है कि यहाँ पर आएं और इनसे आप डील करें, अपनी फैमिली के साथ एक महीना आके यहाँ पर रेस्ट करें। और यहाँ देखते रहे कितना खूबसूरत है, ये देखें यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आप बेफिक्र हो जाए। जो सबसे ज्यादा होता है एक तो गाड़ी की सिक्योरिटी, खुद की सिक्योरिटी, तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी है, कैमराज भी लगे हैं, और कार पार्किंग में आपको दिखा दूं, ये बाहर का जो माहौल है वो भी बड़ा अच्छा है और बिल्कुल शांत, बेहतरीन साफ सुथरी गलियां। और ये देखें नारियल, यूँ लगेगा कि मलेशिया में बैठे हुए हैं, तस्वीर कीजिए कि आप लगे सिंगापुर मलेशिया में, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये
ये देखें, ये सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं। थैंक यू सर, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, मुझे अच्छा लगा है, सच्ची बताऊं। हाँ, थैंक यू सना। थैंक यू सर। अभी हम जाएंगे थोड़ा सा दोस्त के पास। आप डील करके आ जाए, रूम का भी बता देंगे किराया।